ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आए ना तो मुझे फौरन फोन करना, आई विल बी वरीड। और उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। हाँ अच्छा, मैं फोन का इंतजार करूंगी। ओके खुदा हाफिज। मामा काफी देर से मैं असित को कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे। उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में। क्या क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, अभी उसके टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अकेला नहीं है, दफ्तर वाले उसके साथ हैं। मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है मामा? मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी देर से उन्हें कॉल कर रही हूँ। इसलिए कोई कुछ नहीं बताता क्योंकि तुम हिस्टेरिकल हो जाती हो ऐसे। मेरे हस्बैंड है, एक तो वो इतनी दूर है, उनकी पल पल की खबर मुझे होनी चाहिए मामा। ये तुम दोनों मियां बीवी का मामला है, मैं नहीं पढ़ सकती बीच में। हेलो। तुमने फिर यूज किया? मैंने मना किया था ना। तुमने खुद ही तो इनेबल किया है। तो अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ छोड़ दो, पहले की बात और थी। ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चलेगा। धमकी दे रहे हो? तुम्हारी मॉम को तो कुछ पता लगता नहीं, मगर यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम ऑन काशिफ यार, डोंट बी सो स्टूपिड। किस्मत दे फेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावा, कोई नहीं तेरा दिल कहंदा मेरा। ज़ारा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? खैरियत तो है? Is everything okay? असद से बात ही नहीं हो पा रही थी, कितनी देर से उन्हें कॉल्स कर रही थी, मम्मा ने बताया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। हाँ ठीक है, लेकिन आंटी ने ये भी तो बताया ना कि वो वहाँ पर अकेला नहीं है। जो भी है, मैं तो नहीं हूँ ना उनके पास। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप नहीं हैं असद के साथ, लेकिन दूर रहकर खुद को परेशान कर अपनी तबीयत खराब क्यों कर रही है? क्या फायदा मिलेगा आपको? पता नहीं क्यों वहाँ चले गए, मुझे कुछ भी तो नहीं चाहिए था, सिर्फ असद का साथ ही तो चाहिए था। अब कितनी मुश्किल उठा रहे होंगे वहाँ के। अच्छा ठीक है, देखिए अभी आप परेशान ना हो, प्लीज बैठिए। देखिए असद बेशक वहाँ पर अकेला है, पर वहाँ पर लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए। I'm sure he'll be fine. जी मैम, he's feeling a lot better now. निमोनिया का माइनर सा अटैक है, पर अगर मेडिसिंस टाइम पे लेंगे तो जल्दी रिकवर कर लेंगे होपफुली। नहीं प्लीज डोंट वरी, आई विल बी हियर द होल टाइम, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। या नो प्रॉब्लम, बाय। इज इट, Are you feeling any better? काफी बेहतर हुआ।
बुखार भी काफी कम लग रहा है। अच्छा लिसन, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, फिर मेडिसिन भी खानी है। ओके। आज मेरा डे ऑफ है और मैंने सोचा है कि मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा, तो आप मेरे साथ चलेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं शॉपिंग पे मतलब? हाँ यू नो, मैं काफी अरसे के बाद यहाँ पर आया हूँ तो मुझे शॉपिंग मॉल्स का नहीं पता कि कहाँ से लगी, तो अगर आप चलेंगी तो अच्छा रहेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। अच्छा मैं मम्मा से कंफर्म करके फिर आपको बताऊंगी, ठीक है? कुछ आप चाय लेंगे? ना, मैं सिर्फ जूस पीऊंगा। थैंक यू सो मच। हेलो, सलाम अलैकुम मामा। वालेकुम सलाम। बोलो जारा, क्या बात है? वो अशर शॉपिंग पे जा रहा है, वो कह रहा है कि मैं उसके साथ जाऊं। मैं जाना तो नहीं चाह रही लेकिन वो बहुत जिद कर रहा है, तो मैंने सोचा कि आपसे परमिशन ले लूं, मैं चली जाऊं उसके साथ। इसमें परमिशन की क्या जरूरत है, चली जाओ साथ, अच्छा है, तुम्हारा भी वक्त गुजर जाएगा। बल्कि अगर कोई चीज अच्छी लगी तो अपने लिए ले भी लेना। ठीक है मामा, थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शॉपिंग हो गई, अब घर चलें? हाँ चलते हैं, पहले कुछ खा तो लें। आपने तो रात को डिनर पे लेके जाना है ना ऑलरेडी। हाँ तो डिनर करेंगे तो क्या लंच नहीं करेंगे? देखिए आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने तो अपना माइंड बना लिया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है सर। ऐसे कैसे हो सकता है, किस तरह की बातें करी है? अभी साथ में तो हमने नाश्ता किया था। देखिए अगर मुझे अभी भूख लग रही है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको भूख नहीं लग रही? अच्छा प्लीज। अच्छा चलें ठीक है, एक काम करते हैं कि आप मेरा साथ देने के लिए थोड़ा सा खा लीजिए, आइए। एक मिनट के लिए भी असद मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा, पता नहीं कैसी तबीयत होगी उसकी। मैं मानती हूँ वहाँ बहुत लोग हैं जो उसका ख्याल कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ मम्मा तो नहीं है ना देखभाल के लिए उसकी, मैं तो नहीं हूँ, और वो दूसरों के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता आशा। अरे यार इसका मतलब है मेरा सारा प्लान जाया हो गया। मतलब ये है कि मैंने आपको इस टेंशन से निकालने के लिए पूरा प्लान बनाया। मैं कहीं भी होंगी, किसी के साथ भी होंगी, लेकिन असद का ख्याल मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। ज़ारा आपको कौन कह रहा है कि आप असद का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकालें? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी जिस वजह से आप परेशान है ना उसका कोई हल भी तो नहीं है। चले आए। अच्छा प्लीज प्लीज मुझे घर जाना। ठीक है हम घर चले जाए। प्लीज फील कर रहे हैं? बहुत बेहतर। गुड। मैंने कहा था ना इसके बाद अच्छा फील करोगे। लिसन मैं सूप लेकर आती हूँ, वो पियोगे ना तो जल्दी ठीक हो जाओगे। सुनो तुमने मेरी बीमारी में इतना ख्याल रखा मेरा, अगर जारा यहाँ होती वो भी ऐसे ही ख्याल रखती मेरा। आई थिंक अगर वो यहाँ होती तो मुझसे बहुत ज्यादा ख्याल रखती। But unfortunately now that she's not here, you're all mine. मुझे ख्याल रखना होगा तब तक जब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते। My responsibility now. Thank you.
करता हूँ। मैं सूप गर्म करके लाती हूँ, 2 मिनट्स। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत बेहतर हूँ। सॉरी तुमसे बात नहीं कर सका जारा। इसी बात का मुझे गुस्सा है असद। कोई भी मसला होता है तुम इतने मसरूफ हो जाते हो कि ना मुझे कॉल करते हो ना मेरी कॉल रिसीव करते हो। इतने बीमार हो गए कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा और यहाँ मुझे कुछ पता ही नहीं। होश नहीं था सारा, मैं कैसे बताता तुम्हें? मामा को भी तो पता चला ना, तो मुझे भी एक कॉल कर देते। मैं शायद किसी और ने बता दिया। बस असद बहुत हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? तुम वहाँ अकेले, मैं यहाँ अकेली, ये कैसी जिंदगी है? मैंने आज तक तुमसे कोई डिमांड्स की है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, वहाँ जाना है? नहीं किया ना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम यहाँ फौरन आओ वरना। वरना क्या जारा, वरना कैसी बातें करना शुरू हो जाती है तुम कभी कभी, क्या हो जाता है तुम्हें? मैं यहाँ पर रिकवर कर रहा हूँ, तुम इस तरह की बातें कर रही हो। प्लीज थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ। सॉरी, बाय, खुदा हाफिज़। सर मैं, हेलो हेलो, लिसन, रिलैक्स। वो अकेली है वहां पर, फ्रस्ट्रेटेड है, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करे, किससे बात करे। Probably that's why she's acting. अगर इधर होती है, I'm sure she would have understood. थोड़ी सी स्पेस दे उसे, ठीक हो जाएगा सब। And now I think it's time for you to have your soup. Just relax, I'll do it. Okay? थोड़ा सा बस। बनाया तो मैंने मेहनत से, आई होप अच्छा हूँ। थोड़ा गर्म है लेकिन गर्म पियोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों काट दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो सब बीमार है फिर क्यों? I hope it's not bad. Sure, thank you. सॉरी असद, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी।
ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं जारा का सामना कैसे करूंगा, धोखा दिया मैंने उसे, मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रबे रबिया, रबिया तुम प्लीज अपने घर चली जाओ। यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम प्लीज प्लीज जाओ। जाना तो मुझे वैसे ही है पर मैंने कहा ना प्लीज। Can you leave? Sorry. You can't disrespect me like this. Don't do something if you can't own it. मम्मा, आपकी असद से बात हुई? नहीं अभी फिलहाल बात नहीं हुई है मेरी। अच्छा मम्मा, बहुत गलत कर दिया मैंने, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। क्या किया तुमने? मैं असद से बात कर रही थी, मैंने गुस्सा किया, उन्होंने मेरी पूरी बात सुने बगैर कॉल कट कर दी। अब मैं मुसलसल उन्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। मेरे मना करने के बाद, समझाने के बाद तुमने फिर भी उसको डिस्टर्ब किया? हाँ मामा, मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूँ? अब कुछ ना करो, उसे बुखार चढ़ा हुआ था, बीमार था, वो सो गया होगा। मामा मेरी खातिर आप उसको एक दफा कॉल कर लें, बेशक मैं बात नहीं करूँगी, आप सिर्फ मुझे उनकी तबीयत का पूछ के बता दें। मैंने उसे मैसेज कर दिया है, जब वो उठेगा तो वो रिप्लाई भेज देगा मुझे। लेकिन मामा। ऑलराइट, डिनर प्लान इज ऑन। निदा कहाँ है? वेट, आप लोग लेट डिनर तो नहीं करते ना? आई एम सो सॉरी, मैं तुम लोगों के साथ डिनर पे नहीं जा सकूंगी। क्यों? मैं मीटिंग पे जा रही हूँ। आंटी, मीटिंग इस वक्त? बेटा, दिन रात मेहनत करके ना मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ। अच्छा, हाँ ओके, सो आई गेस डिनर प्लान कैंसल्ड। नहीं नहीं, कैंसिल क्यों, तुम दोनों चले जाओ। Okay, and what about Nida? वो कहाँ है? वो पता है, वो यूनिवर्सिटी से बहुत देर से आई थी ना, तो खाना खा के सो गई। खाना खा के सो गई? आंटी पता है, हम सबका एक डिनर प्लान था, अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो, तुम मेरी बात सुनती है, तुम्हें पता है वो अपनी मर्जी की मालिक है। खैर तुम और जारा चले जाओ ना। मामा मेरा बिल्कुल मूड नहीं है मामा, आपको पता है ना वो मैं। बुरी बात है बेटा, अशर क्या सोच रहा है, तो प्यार से पूछ रहा है, हम सब डिच कर देंगे तो बुरा मान जाएगा। लेकिन मामा असद, मैंने कहा ना तुमसे,
असद फोन करेगा या मैसेज करेगा मैं बता दूंगी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? नो 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 आंटी, इट्स कंप्लीटली फाइन, डोंट वरी अबाउट इट. अगर सारा का मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम डिनर प्लान कैंसिल कर देते हैं. इट्स नो इशू. नहीं, मैं चलती हूँ. ओके चलो, इट्स ऑल रिजॉल्व्ड. आई एम गोइंग फॉर माय मीटिंग, यू गाइस गो एंड हैव डिनर. ओके मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा, लेकिन बेवफा नहीं हूं, मुझे माफ कर देना. सॉरी. किस बात के लिए? मुझे मालूम है कि आप आना नहीं चाह रही थी, तो आंटी के कहने पर मेरी वजह से आपको आना पड़ा. कोई बात नहीं. आखिर इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी सर? पता नहीं. आप खुश रहा करें प्लीज. जब तक असद यहाँ नहीं आएंगे मैं खुश नहीं रह सकती. अगर आप बुरा ना माने मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी. आपको क्या लगता है कि असद भी वहां पर इसी हाल में होगा? होगा. होगा? अच्छा, इसका मतलब है शक है आपको, अपनी बात पर यकीन नहीं. खैर, कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे आप? कैसा भी नहीं. मेरे ख्याल से हमें वापस घर चलना चाहिए. लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मम्मा से ना कहेगा कि मैंने आपको वापस घर जाने के लिए. श्योर, डोंट वरी अबाउट इट, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगा. थैंक यू. हेलो. मैं असद को कब से कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा. क्या हुआ है? वो थोड़ी टेंशन में थे. टेंशन में क्यों? तुम कहाँ हो? मैं अपने घर पर. तो उसके पास कौन है? कोई भी नहीं है इस वक्त तो. क्या अकेला है? तुम्हें उसके पास होना चाहिए. I was with him but then he asked me to leave. He wasn't feeling too well, बस इसलिए he just wanted to sleep for a bit. तुम्हें उसके पास होना चाहिए. फौरन उसके पास जाओ और मेरी बात करवाओ. और मेरी बात गौर से सुनो जरा. किस मुंह से बात करूं जारा से? बात करूं जारा से? बात करूं जारा से? क्या कहूं उसे? क्या कहूं उसे कि तुम्हारा असद, कि तुम्हारा असद, तुम्हारा मान, तुम्हारा मान, तुम्हारा गुरूर नहीं रहा? गुरूर नहीं रहा? गुरूर नहीं रहा? क्यों किया? असद, 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 क्या हुआ? क्या करो? हटो, हटो, मैं लगा रहा मुझे. मैं नहीं लगा रही. बच्चे ओके? तू मुझे खेदना रही है मुझे अपने आप से. मेरा वजूद, मेरी सोच, मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जारा का था. लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया.
सब कुछ खत्म हो गया। इसका सारा का सारा कसूर तुम्हारा है। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे। I think you're right. Maybe I deserve this. कुछ ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो अकेली है, यतीम है, अपना सब कुछ खुद करती है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है देखने के लिए। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए because obviously you're the privileged one. So basically आप है वो जिसने सब कुछ खोया, अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना मान। मेरा क्या है? It doesn't even matter, right? किसी और का सहारा बनते बनते मैं दलदल में फंस गई, खामखा। But that's okay, because nobody cares. फर्क तो आप क्या सोचते हो उससे पड़ता है। I feel like such a fool right now. मैं ये सोच के परेशान हो रही थी कि मुझे आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ के आना चाहिए था। I should have stayed back. I should have helped you out with everything. But I guess I was wrong. So, let's fix this once and for all. Never have to see my face again. मैं अब यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। You have my word. सर मैं बाद में बात करता हूँ। असद प्लीज, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। समझने की कोशिश करो। I'm sorry, असद, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बिलावजह रूड हो गई, तुम्हें पता है उस वक्त से मुझे बिल्कुल सुकून ही नहीं आ रहा। प्लीज मुझसे बात कर लो ताकि मुझे थोड़ा सुकून आ जाए। तुम्हें हर वक्त अपने सुकून की क्यों परवाह रहती है? क्या चाहती हो तुम? मैं हर वक्त बैठ के तुमसे बातें करता रहूं और कुछ ना करूं? नहीं असद, मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था। मैं फ्री होकर तुमसे बात करूंगा। दूरियां हैं कैसी, दो दिलों में आई, प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े, अखियां ने रावा दस के जावा, मैं ना किसे दा ना कोई मेरा। सब बेटा कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बस फोन साइलेंट पे था। इतनी परेशान थी, सो नहीं सकी आज। I'm sorry मामा, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस आराम करें, सुबह आपको ऑफिस भी जाना होगा। अच्छा सुनो, तुम सुबह ऑफिस ना जाना, मैंने रबिया से बात कर ली, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी।
कोई तुम्हें वहां पे प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मामा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखती है ख्याल में। बहुत अच्छी लड़की है, चलो आराम करो, अपना ख्याल रखना, कल बात करेंगे, ठीक है? ओके ओके, खुदा हाफिज़। ओके। कॉल पिक करो मेरी। क्या बात है, आज इतनी फ्रेश मॉर्निंग है और आप फ्रेश नजर नहीं आ रही। सोई नहीं है क्या? नहीं, मैं सोई थी। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान सो रहा होता है ना, उसका ज़हन जाग रहा होता है, तभी वो मॉर्निंग फ्रेशनेस नजर नहीं आती। जब से असद गए हैं तब से लगता है कि मैं ठीक तरह से सोई नहीं। देखिए, प्यार मोहब्बत रिश्ते जो हैं, एक तरफ असद से आपकी इस मोहब्बत, इतनी लगाव की वजह से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत कदर करता हूँ। पता है आज के दौर में आप जैसी वाइफ खुश नसीबों को ही मिलती है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे असद की किस्मत पे बहुत रश्क आता है। ज़ारा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आई होप कि आप माइंड ना करें। इंसान को अपनी ज़ात, अपनी कदर कीमत, अपनी हैसियत खुद बनवानी पड़ती है, और जब तक आप खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपनी अहमियत नहीं मनवाएंगे, तो लोग आपको अहमियत नहीं देंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने नोट किया है कि आप असद को बार बार कॉल करती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि असद ने आपको कॉल किया। नहीं ऐसा नहीं, असद मुझे कॉल करते हैं। देखिए माय डियरस्ट अपोलॉजीज, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता और ना मैं चाहता हूँ कि आपका दिल असद के लिए ख़राब हो। मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि जब एक इंसान घर से दूर होता है उसके 10 मसाइल होते हैं, लेकिन आपका तो एक ही मसला है, असद से जुदाई। देखिए ज़ारा, अगर असद ने आपको अपने मसलों के बारे में बताना शुरू कर दिया ना, तो जो थोड़ा बहुत सुकून आपकी लाइफ में है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए मेरी माने, आप जो है ना, असद से अच्छी अच्छी बातें किया करें ताकि वो खुश रह सके, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप भी खुश रहें। वक्त ने तो गुजरना ही है, आप बस मेरी बात का यकीन करें कि एक ना एक दिन आपने वहाँ होना है या यहाँ असद के साथ होना है। बस आप यकीन रखें कि असद जहाँ भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका। जस्ट गिव हिम सम स्पेस, everything will be okay. क्यों आए हो यहाँ पर? मेरा फोन क्यों उठा रही थी तुम? क्यों उठाओ तुम्हारा फोन? में
क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हाँ, जो बातें ऑलरेडी कर चुके वो इनफ नहीं थी? कितनी आसानी से तुमने सारा नाम मुझ पे डाल दिया ना। जज्बात में आके निकल गया मेरे मुंह से। जज्बात ही तो कंट्रोल नहीं होते तुमसे अपने, यही तो मसला है। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं भी इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती, और ये तो मैं हरगिज नहीं चाहती कि ये बात तुम्हें और मुझे छोड़ के किसी भी तीसरे इंसान को पता चले, खास तौर पे तुम्हारी मॉम या तुम्हारी बीवी ज़ारा। मामा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, स्पेशली ज़ारा को। उसे पता चल गया वो मर जाएगी यार। मैन, सबसे इंटरेस्टिंग क्रिएचर। आई मीन You're still thinking about yourself only. और मेरा? मेरा क्या? उसके बारे में सोचा तुमने? दो सेकंड के लिए भी सोचा? तुम्हारी खातिर तो यहाँ पे आया हूँ मैं। कृपया, ये जो कुछ भी हुआ था ना, ये बहुत बड़ी गलती थी। हमें इसे भूल जाना चाहिए। हम दोनों होश खो बैठे थे और इसमें हम दोनों का कसूर है, इसलिए हमें ये बात भूल जानी चाहिए। ठीक है, मैं अपने रास्ते चलता हूँ, तुम अपने रास्ते। Let's just take the divorce. खत्म कर देते हैं इस मामले को इधर ही। I don't believe you right now. मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे कंसोल करने आए हो। You're trying to make up for what you have done to me and the things you said to me. But no, you just care about your own self. And गलती, हाँ? Are you even for real right now? बच्चे नहीं हो तुम कि तुम्हें पता नहीं था क्या हो रहा है। You were aware of your deeds. बहुत अच्छे से जानते थे तुम कि क्या हो रहा है। अगर ऐसा कुछ करने की हिम्मत है ना तुम में, then be man enough to own it like a freaking man. लेकिन नहीं ना, तुम्हारे लिए तो बहुत convenient है, जो दिल में आया in the moment किया और मजे से हाथ साफ करके सिचुएशन से बाहर निकल गए, क्योंकि इससे आसान बात तो हो ही नहीं सकती ना कि किसी और पे इल्जाम डाल दो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत है ना, अन्ना तुम्हारी है, मेरा क्या है? मेरे तो आगे पीछे वैसे ही कोई नहीं है, तो ऐसा कुछ हो जाए या कुछ भी हो जाए मेरे साथ, उसे फर्क क्या पड़ता है? Just like all men, right? So, सही है यार। अगर मेरी से किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये सारा सिलसिला ही खत्म कर देते। So, I think इस मैटर को रिजॉल्व करने का एक बहुत अच्छा हल है हमारे पास। मेरी तो परवाह वैसे भी नहीं है ना किसी को। तो मैं जीऊँ या मरूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब कुछ जो हो गया है, I don't think I can live with this. तो इससे बहुत अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ, और मैं दूंगी। कहाँ जा रही हो?